आंटी को जी लोग टाइम पास ले आंटी वो गाली तो नहीं दे रही आंटी आप अपनी भाषा में बोला मैंने दिन आई ना वे तो अपनी लैंग्वेज बताओ ना अपनी लैंग्वेज बोलो बोलो मैंने गुठी आई है गुठी आई है भाषण मत कर मोहब्बत गई भाड़ में हमारे पहाड़ में फाइनली आपका ये हम एक्सप्लोरर मनाली की गलियों में हाँ बर्फ आप कहाँ बता रहे थे कल अभी कहाँ रोहतांग में गिरी है कल और सोलंग में कल गिरी क्या सोलंग में नहीं गिर रही बर्फ सोलंग खाली पड़ा है अभी हाँ तो फिर अपन सोलंग नहीं जाएंगे माइट भी अपन जो प्लान करेंगे अच्छा ये ऊपर ओके ओके तो ये यहाँ से पहले हाँ। कोठी फिर गुलाबा हाँ। उसके बाद आप मड़ी मड़ी से टांग टांग से खोक्सर खोक्सर से अटल टनल होके हाँ। वैली होके वापस आएंगे अच्छा अच्छा नहीं इधर से भी जा सकते हैं डायरेक्ट अगर अटल टनल से अपन सिसु तरफ चले जाते हैं सिसु में भी नहीं है बर्फ नहीं नहीं सिसु नहीं है नहीं नहीं मैं ये कह रहा था हाँ अगर अपने को जैसे मान लीजिए रोहतांग आप बोल रहे हो रोहतांग में तो बर्फ पड़ी हुई है बट अगर अपने को सिसु जाना हो है ना टांग होके जाना पड़ा नीचे ये इधर से अटल टनल से अंदर होके डायरेक्ट सिसु सिसु से जिसपा तरफ निकल जाओ है ना वो जहाँ से बसेस सुबह जो मिलती हैं अंकल जैसे रोहतांग वगैरह जाने के लिए बसेस भी चलती है ना यहाँ गवर्नमेंट के बसेस तो उसका टिकट कहाँ से मिलता है अच्छा वो बना हुआ है अच्छा अच्छा टूरिज्म का ऑफिस है अच्छा हाँ वो 600 रुपए लेती है ना 500-600 रुपए अच्छा आना जाना दोनों सही है और नॉर्मल गाड़ी थोड़ा ज्यादा ले लेगा तो सही है जो भी कन्वीनियंट पड़ेगा अपने हिसाब से ले जाएगा हाँ बट ये है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रहता है बस तो यहाँ पुलिस ज्यादातर बाहर की है क्या पूरा इधर उधर लोकल वाली है वाओ भाई साहब ग्रीनरी इतनी अच्छी है ब्यूटी इतनी अच्छी है लिटरली यहाँ पे बहुत प्यारा है शांति है हाँ मतलब नेचर के बहुत पास बोल सकते हैं भाई ट्रैफिक शोर शराबा सब दूर वाओ रात में कितने बजे तक ओपन रहता है ये पैदल वैदल आ सकते हैं इधर कोई क्योंकि इनको अंकल रात को कुछ ये क्लब हाउस है यहाँ पे अभी शाम का भी प्लान है अपना क्लब हाउस यहाँ पे जॉर्बिंग और सारी चीजें जो एक्टिविटीज है वो होता है और ये सब वीडियोस में देखा हुआ है पहले फुल रिसर्च किया हुआ भाई ने और मनाली के तो ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस देखे कि मैक्सिमम चीज अपने को पहले से पता है मतलब नहीं आने के बाद भी लगता ये जगह देखी हुई थी ऐसा है तो वही है हमारा पता नहीं सो दिस इज आवर हॉस्टल सफर और प्राइवेट होटल रूम सारी चीजें यहाँ पे फैसिलिटीज है और व्यूज की वजह से हमने ये बुक किया था तो बस आ गए लेट्स सी मोहब्बत गई भाड़ में हमारे पहाड़ में भाई साहब सफर हॉस्टल और क्या ब्यूटीफुल देवदार के बड़े बड़े से पेड़ और एक नंबर का कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत शानदार भाई लिटरली ज्यादा हो गया नहीं नहीं कोई नहीं मैरिड आदमी का हो ही जाता है क्या बात है कैसा लगा भाभी आप बताओ बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ यहाँ पहाड़ों में यही हो पा रहा था तो हमने जो किया क्या बात है पहली बार किसी नए मैरिड कपल का हनीमून प्लान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ किसी मेरे भैया हम चाहते थे आप लोग करें अब अगला इन्हीं का नंबर है दीना भाई का फटाफट ही सगाई हो चुकी है इनकी कर लें शादी बहुत ही बेस्ट प्लेस है सारी चीजों के लिए व्यूज भी बहुत प्यारे हैं यहाँ से पीक इनटू द माउंटेन्स स्टेथन मैं निकाल रहा हूँ अरे मैं निकाल रहा हूँ
हाँ जी भाई, सब तो बाबू बच्चा बन के रेडी हो गए, कपड़े वपड़े चेंज हो गए नहा धो के भाई ने। और बता देते हैं अब यहाँ से प्लान क्या है। फर्स्टली देखो, सफर हॉस्टल पीछे भी दिख रहा होगा, ऑलरेडी दिखाया था। तो यहाँ से अभी प्लान अपना ये है कि आपको देवदार के पीछे तो पेड़ दिख रहे होंगे, और निकल रहे हैं अभी हम लोग मनु टेम्पल कवर करेंगे, हडिम्बा टेम्पल कवर करेंगे, एंड वहीं से जो है क्लब हाउस कवर करते हुए माइट बी लंच वगैरह करके देखते हैं क्या कैसा प्लान होता है। फिलहाल तो अभी यही डिसाइड किया जो अभी तक में है। और भाई ये है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो दिन भी बड़ा लगता है भाई। लिटरली 11 बज रहे हैं, मगर मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में कितना सारा टाइम, क्योंकि 6:30 बजे उठ गए थे जब से आपने फर्स्ट जो दिखाया होगा शॉट, अगर आपने देखा हो तो वही चीज़ें हैं। और बाकी कैसा लग रहा है, फोटोज़ इंस्टाग्राम पे आएगी तो इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो फॉलो कर लेना। और भी बाकी लोगों का आईडी जो है टैग करूँगा मैं स्टोरीज़ के लिए, अपडेट रहना तो हमेशा आता रहता है वो फास्टली थोड़ा सा। सो क्लब हाउस के पास आ गए हैं और जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है क्लब हाउस, जैसे कि हमारे जो हॉस्टल के मतलब ओनर बोल सकते हैं, तो वो उन्होंने भी गाइड किया बहुत प्यारा भाई। लिटरली मतलब मैं तो मस्त रिकमेंडेड है कि जो गाइडेंस है उनका सारी चीज़ें वो एकदम प्रॉपरली बता देते हैं आपको। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती भी है, लोगों को पता होगा, तो थोड़ा सा उनका पूछ लिया करो कि अगर रियल टाइम बेसिस पे क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, वो उन लोग ज़्यादा अच्छी अपडेट दे सकते हैं। तो क्लब हाउस है, अभी हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे मॉर्निंग में, फिलहाल अभी हम हडिम्बा टेम्पल और वन विहार वाला जो पार्ट पोर्शन है वो कवर करने के बाद फिर वहाँ से मनु टेम्पल जाएंगे और वहाँ से कवर करते हैं। तो हिमाचल की गलियाँ और छोटी छोटी शॉप्स यही है। ये एक्टिविटीज़ के लिए अभी सब बात बात कर लिया हमने, शाम को आके ये भी करेंगे जब क्लब हाउस करने आएंगे तब। दिस इज द गली और यहाँ से ऊपर वो हडिम्बा टेम्पल दिख भी रहा है, वाओ याक। और शॉपिंग स्ट्रीट है ये पूरा, शॉपिंग एक से भी चल रहा है, कैफेज है बहुत सारे। चलो हाँ फोटो खिंचा ली, फोटो में डाल दूंगा यहाँ पे। और चलो फटाफट, लेट नहीं करना है, ऑलरेडी काफी लेट हो गए। चलो भाई, देवदार के बड़े बड़े पेड़, क्या लिटरली कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ऑथेंटिक फोटोज वाला पॉइंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है वो। दिस इज हडिम्बा टेम्पल और 1x पे आ ही नहीं रहा, इसलिए 0.5x पे ले रहा हूँ। भाई साहब देखो जगह देखो, लिटरली प्यार हो जाएगा, वाइब बहुत प्यारी है यहाँ की, मस्त रिजल्ट है मनाली का। आई थिंक माई बुढ़ापा बी लाइक दिस, देख रहे हो अंकल 60 होंगे, आई गेस मोर देन 60 तो होंगे ही, सेल्फी स्टिक लेके, ये फ्रेंड्स ट्रिप हो रहा है। तो ऐसे ही अपने को भी करने का है रीयूनियन, इसी में से कुछ कुछ चेहरे दिखेंगे आपको, कुछ कुछ नहीं दिखेंगे, ऐसा ट्रिप अपना भी होगा। राफ्टिंग अभी नहीं किया आप लोगों ने? बहुत सारा फोटोग्राफी चल रहा है, हो गया दर्शन फाइनली, फोटोग्राफी अलाइड नहीं था तो नहीं किया। बाकी देवदार के पेड़ लिटरली पहले भी दिखाया और बहुत प्यारा, मतलब सीनिक है। DSLR अगर है तो मस्त विजिट लेके आने का चीज़ें हैं, और प्लेस भी मैंने बोला मस्त विजिट प्लेस है। तो बस यहाँ पे काफ़ी टाइम हमने स्पेंड कर दिया ऑलरेडी, इट्स मोर देन 1.5 आवर्स। तो बस करते हैं वॉशरूम यूज़ करके, यहाँ से अभी बस निकलेंगे। वैसे आंटी अब मजा बहुत आया आपके साथ में, गोटी राइस और क्या बोल रहे थे, गोटी राइस
आंटी को जी इन लोग टाइम पहले वो गाली तो नहीं दे रही आंटी आप मजाक कर रहा हूँ मतलब कि एक तस्वीर अच्छी नहीं आई। मैं आपको सही सही बात बताऊं। आप इन लोग की बात तो मैं नहीं आने देखना। अभी लोग क्या है तो लोकल क्या बोला मतलब हमारी तस्वीर तो अपनी लैंग्वेज बताना बोलो गुठी आई है गुठी आई है जोर से बोला फिर आपको पता नहीं लगा। सुनो चलो तो सारा वीडियो मत करना।